सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं आपका अपना कनाल लेके आपके लिए एक नई वीडियो जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग। तो आज हम जा रहे हैं करोलबाग। करोलबाग भाई मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि थोड़ा मेरे को काम भी था वहाँ पे। और क्या था, मैं पिछली वीडियो में जब वीडियो बनाने गया तो यार मेरे फ़ोन की ना अपने आप ही 10% चार्जिंग रह गई यार, मेरे को बड़ा दुख हुआ। फिर वहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक भाई मिल गए थे, उनके फ़ोन से मैंने वीडियो बनाई, फिर भाई अपने फ़ोन पर व्हाट्सअप पर फाइल भेजी, उसके बाद मैंने आपको वाली वीडियो बना के पूरी दिखाई। तो उसके लिए मैं अपना पावर बैंक भी लेने जा रहा हूँ और अभी तक मम्मी का सजना सवरना नहीं हुआ है। सुन ली गाली मैंने सुबह सुबह ये तेरे मुंह पे आग पजारू भाई, कौन सी गाली होती है। चलो जो भी होती है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते हैं और चलने से पहले दिखाते हैं, देखो बाहर बाहर की तरफ चलो। चिपके चिपके नानी हमारी कुछ ना कुछ करती रहती है। ये देखो नानी कुछ बोलो। नानी हमारी पीसना कर रही है। नानी कह रही नानी हमारा पीसना कर रही है। तो भाई फाइनली भी तो मैं दुकान पे आ गया हूँ। दुकान पे आया तो यार मैंने अपनी साइकिल पे गौर मारा जब मैं घर से निकाल के लाया। भाई मैं अभी पिछले रही राइड से आया था ना, इतनी गंदी हुई पड़ी है भाई, इतनी गंदी हुई पड़ी है पूछो मत। तो साइकिल दिखाता हूँ और दिखाने के बाद साइकिल पे बैठेंगे और निकल लेंगे, ठीक है। रास्ते में थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसके बाद करोलबाग ही मिलेंगे। भाई बात कुछ ऐसी थी कि मैं पता तीन कारणों से आया, दो कारणों से आया था। एक मम्मी का फ़ोन टिक कराना था, एक छोटे वाले भाई का फ़ोन टिक कराना था और मेरे को एक यहाँ पर पावर बैंक लेना था। तो पावर बैंक तो मैंने अभी लिया नहीं है, अभी लूँगा। और मम्मी का फ़ोन टिक कराना है, छोटा भाई का फ़ोन टिक कराना है। तो साइकिल कर दी मैंने यहाँ पर पार्क और दिक्कत थी मम्मी का फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही थी और जो छोटे वाला भाई ने उसने वो एम्प में गाने बजा रहा था तो जो एम्प की लीड होती है ना उसके अंदर टूट के फंस गई। तो क्या जिद कर रहा था कि भाई कल न्यू ईयर है तो गाने वाने बजाएंगे, तो दिक्कत थोड़ी थी। आप थोड़ा सा कर लेना, चेक करवा देना। मैंने कहा ठीक है भाई कर दूँगा और चेक करा दूँगा। और वैसे तो वैसे आपको पता ही है करोलबाग मार्केट हर चीज़ में फेमस है, फ़ोन में, कार में, बाइक में, मॉडिफिकेशन कुछ भी करवानी हो करोलबाग मार्केट आ जाओ, सब हो जाता है। कुछ भी लेना हो, कैमरा, गोप्रो वोप्रो, कपड़े वपड़े, चादर चुन्नी, जो भी लेना हो सब आके आप यहाँ पर ले सकते हो। बाकायदा चश्मा भी मिल जाता है। अभी मेरे पीछे भाई आएगा, भाई चश्मा लोगे 100 रुपये का ले लो। मैंने कहा भाई नहीं लेने, मेरे को पैसे नहीं है, ऐसे करके बोलना पड़ता है भाई। मतलब चाहिए ही नहीं तो क्या करेंगे लेके। तो करवाते हैं फोन टेक दोनों का और मार्केट दिखा दो आपको कैसी है। ये जो भी अब जो जैकेट देखी थी ना, ये राइडिंग जैकेट है। और मैं करोलबाग आया हुआ था तो मैंने सोचा यार ले लेते हैं एक आध, बट यार अपनी जेब से बहुत महंगी थी। तो कोई नहीं, अभी लेके जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फ़िलहाल मैं जो रियल बात ना वो मैं पूछने आया था कि कितने रुपये की है, कितने रुपये की नहीं है। तो मैंने प्राइस पता कर लिया है इन्होंने समथिंग, मैं आपको भी बता देता हूँ। 4000 रुपये की राइडिंग जैकेट बताइए जिसके अंदर खाली जैकेट है, पैंट नहीं है। पैंट का अगर आप पूरा सेट लोगे ना तो आपको पड़ जाएगा मिनिमम 11000 रुपये, बताया था उन्होंने पूरा का पूरा। तो जब करनी है साइकिलिंग तो करनी है, चलते हैं आगे की तरफ और ये भी जैकेट लेके जाएंगे और पैंट भी लेके जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इतना ही। सो फाइनली गाइस, बात कुछ ऐसी थी, मैंने डैडी को फ़ोन करके बताया कि छोटे वाले भाई का फ़ोन ठीक हो चुका है खुशहाल का, और से और अच्छी बात है। बट से एक प्रॉब्लम भी थी छोटी सी, वो थी ये कि मम्मी का फ़ोन अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो मुझे घर जाके गालियाँ पड़ने वाली हैं। तो मैं तो तैयार हूँ भाई,
आप लोगों का मुझे पता नहीं, मैं तो फुल तैयार हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने वाली गालियाँ, और मम्मी को मैंने अभी तक नहीं बताया, सरप्राइज़ दूंगा ये जाके। डैडी को बताया तो डैडी ने बोला कोई दिक्कत नहीं बेटा आ जा, तू अपना कर लेंगे भाई बात, और क्या करेंगे। तो छोटा वाला बहुत खुश हो गया, उसका फ़ोन ठीक हो गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल यहीं तक, और मिलते हैं आपसे घर पर, वहीं पर करेंगे ब्लॉग एंड डैडी जी के सामने। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपनी दुकान पे, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। तो मैंने डैडी जी को बताया ऐसे ऐसे, तो डैडी जी ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, डैडी जी से राय ले ली है। डैडी को चलो सही है, ऐसा भी कभी कर लेते हैं, छोटे मोटे काम बिगड़ भी जाते हैं सही भी हो जाते हैं। अब मम्मी की राय लेना बाकी है, तो चलते हैं घर पर, मम्मी से राय लेते हैं। मम्मी गालियाँ देंगी तो सुन लेना, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। तो गाइस जिसका फ़ोन ठीक हुआ उससे एक बार पूछ लेते हैं। तो छोटा वाला कर रहा है एक काम साइकिल का छोटा सा, और मैं भी काम करता हूँ आपको भी पता ही है। तो मैं शॉप छोड़ के गया था 2 घंटे के लिए, तो पूछते हैं इसका फ़ोन ठीक हुआ ऐसे कैसा लगता है, बता भाई कैसा लगा। भाई बहुत बढ़िया लगा यार, 4-5 दिन से परेशान था, नहीं हो रही थी बातचीत किसी से, स्पीकर पर कर रहा था सबसे बात। चलो इसका फ़ोन हो गया ठीक, चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी से पूछते हैं कैसा लगा। तो फाइनली गाइस आ गया हूँ घर पे, और मम्मी से मैंने बोला मम्मी फ़ोन ठीक नहीं हुआ, तो मम्मी कह रही कोई दिक्कत नहीं, पूछते हैं मम्मी फ़ोन ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को था गाली पड़ने वाली, कुछ नहीं पड़ा भाई, सेफ हूँ मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना, और शेयर कर देना, लाइक तो कर ही देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं दुकान पे और काम करते हैं धड़ाधड़।